अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की जो बबलिंग शीट है आपकी, वो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने इस तरीके से इसको फिल करना है, नहीं तो आप लोग फेल हो सकते हैं। अगर इस तरह आप करते हैं जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, तो आपके जो है ना पेपर बहुत अच्छा होगा और आपके पेपर अटेम्प्टेशन और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी और देखने वाला आपके पेपर से मुतासर होगा और वो आपका पेपर मतलब ऐसे सख्त से चेक नहीं करेगा, ऐसे नहीं चेक करेगा कि आपको मतलब नुकसान दे या आपके नंबर कम है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये कुछ चंद टिप्स लेके आया हूँ, तो आप लोग जो है ना इसको ज़रूर इस पे आप अमल करें और उसके बाद जो है ना आप देखें कि आपका पेपर कितना ही मतलब इजी होगा। और आप लोगों को मैं गैस पेपर भी दे रहा हूँ और अभी मैंने अपलोड भी करने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपकी रूल नंबर शीट है, ठीक है। ऊपर आपका शीट नंबर लिखा होगा, तो आपको जो आपकी अटेंडेंस शीट मिलेगी आपने ऊपर शीट नंबर उस पर लिख देना है। और बाकी जो है ना यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको डेट का ऑप्शन दे रहा है, तो आपने करना क्या है, डेट के ऊपर जैसे आपका कल पेपर है, आप लोगों ने लिखना है 28 और आगे आपने मंथ लिखना है। मंथ चल रहा है मतलब आठवां महीना चल रहा है अगस्त का, तो आपने 08 लिखना है, ठीक है। आपने 28 लिख के 08 लिख के आपने आगे 2021 जो है ना लिख देना है। ऊपर आप लोगों को मांग रहा है कि मॉर्निंग या इवनिंग। अगर आपका पेपर फर्स्ट टाइम है, सुबह है, तो आपने मॉर्निंग पे क्लिक करना है और इसको आपने बबल को फिल कर देना है, जो एम आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको आपने फिल कर देना है। उसके बाद अगर आपका इवनिंग में है तो आपने इवनिंग का ही कर देना है, ठीक है। जो आपका ई है इसको आपने, जो ये जो आपको ई नज़र आ रहा है इसको जो है ना आपने फिल कर देना है, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं रूल नंबर पर, तो यहाँ पर आपका रूल नंबर है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका रूल नंबर है। आपने करना क्या है कि आपने इस रूल नंबर को इस तरह से कर लेना है कि आपने लिखना है अपना रूल नंबर। जैसे आपका रूल नंबर हो गया, अगर आपका रूल नंबर के पहले जो डब्बे में है आपका 4 आता है, तो आप 4 को जाके फिल करें। दूसरे में आपका 5 आता है, तो 5 में जाके फिल करें। और तीसरे में आपका 2 आता है, तो 2 को जाके फिल करें। और चौथे में आपका अगर 0 आता है, तो 0 को फिल करें। अगर पाँचवें में आपका, तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो है ना ये, ठीक है, ये आपने रूल नंबर देख लिया। और उसके बाद आपका यहाँ पर आता है पेपर कोड। रूल नंबर के अलावा आपने यहाँ पे पेपर कोड करना है। पेपर कोड में आपको जो एमसीक्यूज शीट दी जाएगी, एमसीक्यूज पे आपका पेपर कोड होगा, वो आपने लाजमी लिख लेना है सबसे पहले। जो ही आपके पास एमसीक्यूज आए, तो आपने एमसीक्यूज पर सबसे पहले अपना पेपर कोड जो है ना पुट कर लेना है, क्योंकि पेपर कोड अगर आप नहीं लिखते तो आपके जो एमसीक्यूज हैं वो काउंट नहीं होती। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ हिदायत दी गई हैं कि अगर आप नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है, इस बात का खास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। इसी तरह मिसाल एक आपको दी गई है कि आपको किस तरह से जो फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मिसाल भी दी गई है। उसके बाद आपको बोला गया कि कागज़ को मोड़ या स्टेपल करना मना है, मतलब आप अपने जो पेपर को है ना उल्टा सीधा नहीं कर सकते, ना ही उसका कोई पेज उखाड़ के दूसरा लगा सकते हैं, या इस तरह से आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह आपको शीट दी जाएगी उसी तरह से आपने पुर करना है उसको। उसके बाद दायरे के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रूल नंबर और पेपर कोड लिखे, और नीचे दाए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक इंसान आए। वो कह रहा है कि आपको ये लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आप लोगों का जो है ना वो काउंट नहीं होता। अगर आप लोगों से पेपर कोड गलत हो जाता है तो आपका बबल फेल सही हुआ होगा, अगर बबल फेल सही होता है तो आपका पेपर कोड गलत, मतलब ये आप लोगों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो है ना आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आपने इनको देख लेना। उसके बाद ऊपर आपको नेम का बोला गया, आपने यहाँ पर अपना नेम लिख देना है। और आप अगर यहाँ इंग्लिश में और उर्दू में लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर आप उर्दू में लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद फादर्स नेम आपने लिखना है। उसके बाद रूल नंबर इन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। रूल नंबर आपने अपना जो है ना वर्ड्स में लिखना है, आपका जो भी बनता है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट का ऑप्शन दिया गया है, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये जो है ना डिप्टी सुपरिटेंडेंट आके खुद ही इस पर साइन करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको साथ में एक और भी पोर्शन दिया जाता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट का बोला जाता है, तो आपने सिंपली डेट पुट कर देनी है। उसके बाद मैट्रिक इंटर, आपने मैट्रिक पे जो है ना एम पे आपने फिल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिक पे भी आपने क्लिक करके मतलब फिल कर देना है डब्बे को। उसके बाद आपने पार्ट वन या पार्ट टू पे, आपने पार्ट वन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका नाइन्थ का पेपर है, तो आपने पार्ट वन पे क्लिक करना है। उसके बाद एनुअल या सप्ली, आपने एनुअल पे क्लिक कर देना है, मतलब एनुअल को आपने फिल कर देना है। उसके बाद मॉर्निंग या इवनिंग,
आपका मॉर्निंग में भी हो सकता है या इवनिंग में हो सकता है, तो आप दोनों में इनमें से कोई एक को फिल कर दें। उसके बाद आपका सब्जेक्ट का बोलेगा, सब्जेक्ट अगर आपका बायो है तो यहाँ आपने बायो लिख देना है, मैथ है तो मैथ लिख देना है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर लिख देना है, मतलब ये शीट सारों की सेम ही होगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ जो है ना ये शीट इस तरह से नज़र आएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, MCQs रिस्पॉन्स पार्ट, आपने जो आपको जो MCQs का पेपर दिया जाएगा उसमें आपको जो ऑप्शन होंगे ABCD ये आपके ऑप्शन होंगे। अगर आपका पहले MCQs का ऑप्शन ए है तो यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले ए पर ही क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर तो यहाँ पर आकर आपने ए पे ही फिल कर देना है। अगर आपकी फ़र्ज़ क्या कह 5 MCQs का जो ऑप्शन है वो सी है तो यहाँ आकर आपने 5 MCQs के सी पे ऑप्शन पे जो है ना फिल कर देना है। और इसी तरह आपको तकरीबन 12 MCQs दी जाएंगे तो आपने वही करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेपर कोड जो दिया जाएगा, पेपर कोड आपने यहाँ पर भी फिल कर देना है और यहाँ पर आपने पेपर कोड का मतलब लिखना भी है और यहाँ पर उसका जो डब्बे हैं वो भी आपने फिल कर देना है। इसी तरह आपने करना है। और नीचे जो है ना, नीचे आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये जो है ना ये इम्तिहान जो लेते हैं ये उनके हिसाब से मार्क्स वो खुद फिल करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सिर्फ मुमतहन पुर करें तो वही पुर करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पर ना तो कोई शीट पुर करनी है, ना ही आपने यहाँ कोई साइन करना है, ना ही आपने कोई कोड लिखना है, इस जगह पर आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं करना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई। अगर समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तो अभी जो है ना आप लोगों के गैस पेपर अपलोड्स हो रहे हैं और हो भी गए हैं, और आप लोगों को आज रात तक कंप्यूटर और बायोलॉजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लीक्ड पेपर मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।